शाह बोले, केजरीवाल जहां जाएंगे शराब घोटाले की याद दिलाएंगे। संविधान बदलने का बहुमत हमारे पास 10 साल से है, लेकिन ये काम कांग्रेस का है। लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शराब नीति केस को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल प्रचार के लिए जब भी जहां भी जाएंगे लोगों को शराब घोटाला याद आएगा, कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखेगी। विपक्ष के संविधान बदलने वाले बयान पर अमित शाह ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा, संविधान बदलने का बहुमत हमारे पास 10 साल से है, हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लाना चाहते हैं, क्योंकि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हमने 10 सालों में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, 3 तलाक को खत्म किया, राम मंदिर बना, UCC लेकर आए। बहुमत के दुरुपयोग करने का इतिहास हमारी पार्टी का नहीं है। बहुमत का दुरुपयोग इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। क्या भाजपा के पास बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचने की स्थिति में कोई प्लान बी है? अमित शाह ने बताया, प्लान बी तभी बनाने की जरूरत होती है जब प्लान ए के सफल होने की 60% से कम संभावना हो। मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। अगला सवाल, केजरीवाल ने कहा था अगर आप मुझे वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, उनकी जमानत पर आप क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह ने कहा, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो इससे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं हो सकती। क्या सुप्रीम कोर्ट जीत और हार के आधार पर गुनाह का निर्णय करेगा? मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से आप, कुछ मीडिया समूह और ज्यादातर पत्रकार इसको केजरीवाल की जीत मानकर चल रहे हैं, मैं इसे थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, ये क्लीन चिट नहीं है। आरोप पत्र अभी भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। यदि उन्हें अरविंद केजरीवाल पर इतना भरोसा था तो सत्र न्यायालय में अपील करते कि मेरे खिलाफ चार्ज ही गलत है। अगला सवाल, उड़ीसा में CM नवीन पटनायक पर PM मोदी हमले कर रहे हैं, नवीन पटनायक भी पलटवार कर रहे हैं। किसी भी नेता द्वारा बयान हालिया स्थिति को देखते हुए किया जाता है। PM मोदी ने मौजूदा स्थिति को देखकर ही बयान किया है। मेरा भी मानना है कि वहां सरकार बदलने जा रही है। विपक्ष आर्टिकल 370 पर सवाल उठा रहा है। शाह, जो लोग अनुच्छेद 370 पर सवाल उठाते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वहां मतदान 40% पार कर गया। अनुच्छेद 370 हटाने की इससे बड़ी सफलता नहीं हो सकती। शांतिपूर्ण मतदान बताता है कि बदलाव हुआ है। पूरे NDE गठबंधन का चरित्र एक तरह से एक दूसरे से मिलता है। सारी पार्टियां परिवारवादी हैं, सारी पार्टियां कहती हैं धारा 370 वापस लाएंगे, सारी पार्टियां 3 तलाक चाहती हैं, सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई हैं। अगला सवाल, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि PM मोदी और भाजपा उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजन कर रही है। अमित शाह कहते हैं, अगर कोई कहता है कि ये अलग देश है तो ये बहुत आपत्तिजनक है। इस देश का अब कभी भी विभाजन नहीं हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।